नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट में दुनिया की नंबर एक टीम है। अपनी मजबूत बल्लेबाजी के लिए जानी जाने वाली भारतीय टीम को आउट करना गेंदबाजों के लिए उतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी का दम भारतीय टीम के खिलाफ दिखाया। आज हम आपको अपनी स्टोरी में ऐसे ही 5 गेंदबाजों के नाम बताएंगे जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और विकेट चटकाए। मैल्कम मार्शल। इस सूची में 5वें पायदान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल का नाम आता है। दाएं हाथ के दिग्गज तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल ने टीम इंडिया के खिलाफ कुल 17 टेस्ट मैच में 76 विकेट लिए। मैल्कम मार्शल ने भारत के खिलाफ 6 बार पारी में 5 विकेट और 1 बार मैच में 10 विकेट हासिल किया। मैल्कम मार्शल ने दिलीप वेंगसरकर को सबसे ज्यादा 10, ऑलराउंडर कपिल देव को 9, सुनील गावस्कर 8, अंशुमन गायकवाड़ 7 और मोहिंदर अमरनाथ को 6 बार आउट कर अपना शिकार बनाए। नाथन लायन। इस सूची में 4 नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिन गेंदबाज नाथन लायन का नाम आता है। 31 वर्षीय नाथन लायन ने टीम इंडिया के खिलाफ अभी तक कुल 18 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान उनके खाते में कुल 85 विकेट आए हैं। भारत के खिलाफ वो 7 बार पारी में 5 विकेट और 1 बार मैच में 10 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 50 रन पर 8 विकेट का रहा है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों में वो कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को 9, कप्तान विराट कोहली को 7, रोहित शर्मा को 5 बार आउट कर चुके हैं। इसके अलावा वो सचिन तेंदुलकर को 4, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग को 2-2 बार पवेलियन भेजने में सफल रहे। इमरान खान। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम आता है। 70 से 80 के दशक में अपनी आग उगलती गेंदों से दुनिया की हर टीम के खिलाफ दहशत फैलाने वाले इमरान खान ने टीम इंडिया के खिलाफ कुल 23 टेस्ट खेले, जिसमें वो 94 विकेट लेने में कामयाब रहे। भारतीय टीम के खिलाफ उनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन 60 रन पर 8 विकेट का देखने को मिला। 23 टेस्ट मैचों में वो 6 बार पारी में 5 और 2 बार मैच में 10 विकेट लेने में सफल रहे। सुनील गावस्कर इमरान खान के सबसे पसंदीदा शिकार थे। गावस्कर को इमरान खान ने 11 बार अपना शिकार बनाया। मुथैया मुरलीधरन। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन का नाम इस सूची में शुमार ना हो ऐसा भला कैसे संभव है। टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले मुरलीधरन टीम इंडिया के खिलाफ सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं। स्पिन गेंदबाजी के महारथी मुथैया मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ 22 टेस्ट खेले और इस दौरान वो 105 विकेट लेने में सफल हुए। भारत के खिलाफ मुरलीधरन का सबसे बेहतर प्रदर्शन 87 रन पर 8 विकेट का रहा। टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन ने पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को 9, सचिन तेंदुलकर को 8 और राहुल द्रविड़ को 6 बार आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। मुथैया मुरलीधरन ने साल 2010 में भारत के खिलाफ ही अपना अंतिम टेस्ट खेला था और प्रज्ञान ओझा के रूप में अपनी यादगार 800वीं विकेट हासिल की थी। जेम्स एंडरसन। इस सूची में सबसे अंतिम नाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का आता है। इंग्लैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 27 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम इंडिया के खिलाफ अभी तक कुल 27 टेस्ट खेले हैं और इस दौरान वो 110 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। भारत के खिलाफ उन्होंने 4 बार पारी में 5 विकेट भी हासिल किए हैं और उनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन 20 रन पर 5 विकेट का रहा है।